Hello everyone, this is Roshni and I am welcoming you all to our channel. So today I have come with 30 different words and their uses by which we can express our happiness. Okay, instead of saying just I am so happy, we can say it in 30 different ways. So what are those? Let's start with number one. Okay, जब भी हम लोग खुश होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम लोग 30 विभिन्न सेंटेंसेस में बोल सकते हैं। तो वो कैसे बोल सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं नंबर वन से। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मीन्स हैप्पी, ओके, बहुत ही खुश होना, इलेटेड होना। तो इसको मैंने सेंटेंस में ऐसे यूज किया है, इट्स थ्रिलिंग टू गेट अ ट्रैवल टिकट टू मलेशिया। मलेशिया का टिकट मिलने की वजह से बहुत खुश है स्पीकर। ओके, नेक्स्ट इज ग्रैटिफाइड, ही वॉज ग्रैटिफाइड बाय द प्रेज। कोई बहुत ही खुश है क्योंकि उसको उसका काम का या उसका प्रेज हुआ है, उसको किसी की वजह से वाह वाह ही मिली है। नेक्स्ट ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर। कोई है जो वहाँ होने की वजह से बहुत खुश है। नेक्स्ट जूवियल, इट मेड मी एंग्री वन मिनट एंड जूवियल द नेक्स्ट। एक मिनट में मैं खुश होती हूँ और दूसरे मिनट पे मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो जूवियल मीन्स हैप्पी अगेन। चीयरफुल, चीयरफुली शी टुक लीव फ्रॉम अस। बहुत ही खुशी के साथ वो हम लोगों के साथ अलविदा लिया। डिलाइटेड, वी वर डिलाइटेड टू मीट आफ्टर अ लॉन्ग गैप। हम लोग बहुत खुश थे बहुत दिनों के बाद मिलने की वजह से। जॉयफुल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग जॉयफुली इन द पार्क। बच्चे लोग पार्क में बहुत ही खुशी के साथ खेल रहे हैं। एस्थेटिक, आई फेल्ट एस्थेटिक इन दिस शॉपिंग एलेज। कोई है जिसको शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसकी वजह से जो शॉपिंग के लेन से शॉपिंग की गलियां हैं वहां पे रहने की वजह से बहुत ही खुश है। एस्थेटिक मतलब खुश होना। जॉयस, माई फ्रेंड्स वर जॉयस टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। मेरे फ्रेंड्स बहुत ही खुश थे क्योंकि उनको मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मौका मिला। लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोटिंग ऑन एयर। ये वर्ड या फिर मैं कहूँ ये फ्रेज भी उसी को दर्शाता है जो कि हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया, हैप्पीनेस को। ठीक है, आफ्टर विनिंग अ लॉटरी आई एम फ्लोटिंग ऑन एयर। लॉटरी मिलने के बाद, लॉटरी जीतने के बाद मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हवा में उड़ रही हूँ। ये थोड़ा इनफॉर्मल है लेकिन यूज़ कर सकते हैं हैप्पीनेस को रिप्लेस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ऑन क्लाउड नाइन। आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन टू मीट माई यंगर ब्रदर। मैं बहुत ही खुश थी, मैं नाइन्थ क्लाउड मतलब सातवें आसमान जैसे बोलते हैं उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हो जाता है क्लाउड नाइन। तो यंगर ब्रदर के मिलने की वजह से मैं नौवें आसमान पे थी। हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो सातवें आसमान पे। ठीक है, इलेटेड, आई एम इलेटेड टू हियर दिस न्यूज़। ये समाचार सुनने के वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ। Overjoyed, my sister was overjoyed to hear that I got a job. मेरी सिस्टर जो है वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसको पता चला कि मुझे एक जॉब मिल गया है। Pleased, I am pleased to read my name on the merit list. मैं बहुत ही खुश हुई थी जब मेरा नाम मेरिट लिस्ट में मैंने देखा था, पढ़ा था। Glad, I am extremely glad at your success. मैं तुम्हारी सक्सेस की वजह से बहुत खुश हूँ। Contented, I am feeling so much contented here. मैं यहाँ पे बहुत ही खुश हूँ, मुझे सब कुछ मिला है, मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओवर द मून, आई वॉज ओवर द मून टू गेट माई वीज़ा टू अमेरिका। मुझे अमेरिका का वीज़ा मिला जिसकी वजह से मैं चांद पर हूँ, बहुत ही खुश हूँ। ग्लीफुल, Gleefully she accepted my request. बहुत ही खुशी के साथ उसने मेरा request accept किया। Jubilant,
jubilant. When India won, the audience became jubilant. India ने जब जीता, ये क्रिकेट मैच हो सकता है, ये फुटबॉल हो सकता है, ठीक है, तब ऑडियंस बहुत खुश हुए. वॉकिंग ऑन एयर, आई एम वॉकिंग ऑन द एयर आफ्टर गेटिंग माई डिग्री. मुझे डिग्री मिला जिसकी वजह से मैं आसमान पे चल रही हूँ. इट्स ब्लिसफुल टू बी इन द लैप ऑफ नेचर. ये बहुत ही खुशनुमा है जब हम लोग नेचर के गोद में रहते हैं, तो ये हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, वही एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पे. मेरी, आई एम फुल ऑफ मेरीमेंट टू बी इन दिस प्लेस. मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पे, इस जगह पे होने की वजह से. नेक्स्ट वर्ड इज रेडियंट. माय रेडियंस इज विविड टू ऑल. माय हैप्पीनेस इज विविड टू ऑल. मेरा जो हैप्पीनेस है वो सभी को दिखाई देता है. विविध मतलब क्लियरली दिखना या झलकना, ठीक है. यूफोरिक, यूफोरिक. इन दिस मोमेंट आई एम यूफोरिक. इस मोमेंट पे मैं बहुत ही खुश हूँ. यूफोरिक मीन्स हैप्पीनेस. स्पार्कलिंग, आई नो यू कैन सी मी स्पार्कलिंग. यू, आई नो यू कैन सी मी हैप्पी. ओके. विवेशियस, इट्स अ वेरी विवेशियस मोमेंट फॉर मी. ये बहुत ही खुशनुमा मोमेंट है या फिर पल है मेरे लिए. ओवरजॉयड, आई सरेंडर टू नेचर टू बी ओवरजॉयड. मैं अपने आप को नेचर पे सरेंडर करती हूँ ताकि मैं बहुत खुश हो सकूँ. एग्जूबरेंट, इट्स एन एग्जूबरेंट एक्सपीरियंस. इट्स एन एग्जूबरेंट एक्सपीरियंस को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, इट्स अ हैप्पी एक्सपीरियंस. जूवियल, द पार्टी मेड द चिल्ड्रन जूवियल. द पार्टी, ओके, जो जिसने भी ऑर्गेनाइज किया ये पार्टी, जिसकी वजह से चिल्ड्रन बहुत ही खुश हैं. मर्थफुल, इट वॉज मर्थफुल मोमेंट. इट वॉज अ मर्थफुल मोमेंट. ओके, मैं अ मिस कर दी. इट वॉज अ मर्थफुल मोमेंट. ये मोमेंट बहुत ही खुशनुमा है. सो फ्रेंड्स, दीज आर 30 डिफरेंट वेज. आई होप देर वॉज नो डिफिकल्टी इन लर्निंग. प्लीज रिपीट इट एवरी डे सो दैट इट विल बी इनग्रेन्ड इन योर माइंड. You will have gradually very strong on speaking English. Okay, so we will continue this lesson in our next video also. Till then we meet. Take care and bye-bye. Happy learning to everyone.